हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 12वीं के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स समझिएगा, हम हेलो एल्केन के भौतिक गुण को आपके सामने लेकर के आएंगे और इसे हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो फ्रेंड्स समझिएगा कि आखिर में हेलो एरिन होता क्या चीज़ है। जब हम जान जाएंगे कि हेलो एरिन होता क्या चीज़ है, तभी अपन उसके भौतिक गुण का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम कुछ ऐसा ही करेंगे कि सबसे पहले आपको हम हेलो एरिन नामक यौगिक से आपको मिलवा देते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले समझिए हेलो एरिन होता क्या चीज़ है। हमने आपको पिछली वीडियो में समझा भी चुका है कि जो हेलो मतलब हेलोजन, और हेलोजन का संकेत होता है एक्स। क्या होता है फ्रेंड्स? एक्स। और एक्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्या क्या आते हैं फ्रेंड्स? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है फ्रेंड्स। और एरिन क्या होता है? एरिन का मतलब होता है कि कार्बन रहित। क्या होता है? कार्बन रहित साइक्लो, मतलब उसमें कार्बन उपस्थित हो और वह एक बंद आकृति के अंदर हो। और इसी बंद आकृति का एक बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन, जो पूरी तरह से बंद आकृति होती है। और बेंजीन की संरचना इस प्रकार से होती है। और इसमें भी क्या होता है कि वह एक बंद रहित आकृति हो, तो उसे ही अपन कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हेलो एरिन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहेंगे उसे? हेलो एरिन मतलब उसमें हेलोजन हो और बंद रहित कार्बन युक्त आकृति हो और उसमें सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, कोई सा भी बॉन्ड हो उसमें, लेकिन वह साइक्लो रहित हो, मतलब आकृति बंद रहित हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम कोई एक ऐसा ही एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। देखिए, मान लीजिएगा कि अपना कोई क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से अपना बेंजीन रहता है, और इसमें यदि एक हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन समूह जोड़ दिया जाए, अर्थात C6H5Cl, यह जो अपना है यही अपना क्लोरोबेंजीन अर्थात हेलो एरिन है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब अपन भौतिक गुण की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम भौतिक गुण को समझाना स्टार्ट करते हैं। हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे कि भौतिक गुण होता क्या चीज़ है। यदि आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हो तो पिछली वीडियो को बड़े ही अच्छे तरीके से देख लें, तब इस वीडियो को देखें, तब बहुत ही आपको समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप स्कोर कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम उन्हीं पॉइंटों को लेकर के हेलो एरिन के भौतिक गुण को समझाना भी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने जब हेलो एल्केन के भौतिक गुण पढ़ा रहे थे, तो सबसे पहले हमने एक क्या लिया था, पॉइंट लिया था, और अपन उन्हीं पॉइंटों को लेकर के आपको समझाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम पहला पॉइंट ले लेते हैं, प्रकृति। क्या ले लेते हैं फ्रेंड्स? प्रकृति। तो प्रकृति का मतलब क्या होता है, उसका नेचर क्या है? तो जो हेलो एल्कीन है वे मुख्यतः ठोस यौगिक होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये मुख्यतः
ठोस यौगिक होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? ठोस यौगिक। चलिए अब अपन कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। अपना दूसरा पॉइंट ए रहा। दूसरा पॉइंट पे अपन लेते हैं गंध। क्या लेते हैं फ्रेंड्स? गंध। तो इसकी अभिलाक्षणिक गंध होती है। हाँ तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके अभिलाक्षणिक गंध होती है। चलिए अब हम विलेयता को देख लेते हैं। तो हेलो एरिन भी जल में अविलय है। क्या है फ्रेंड्स? जल में अविलय। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अपन चौथा पॉइंट ले लेते हैं, घनत्व। क्या ले लेते हैं फ्रेंड्स? घनत्व। तो चलिए घनत्व में आप क्या लिखेंगे? हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि घनत्व जो होता है वह परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि उनके अंदर कितनी अच्छी पैकिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि उसके अंदर पैकिंग कितनी है। चलिए पांचवा पॉइंट ले लेते हैं अपन, क्रियाशीलता। क्या ले लेते हैं फ्रेंड्स? क्रियाशीलता। तो यह क्रियाशीलता किस बात पर निर्भर करती है कि उन तत्वों का आकार कैसा है? तो लिख दीजिएगा कि यह आकार पर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आकार पर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। ऐसा तो बुक में भी नहीं लिखा, फिर भी हमने ऐसे ही कल्पना करके इस वीडियो को बनाया है। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।